आप देख रहे हैं समय न्यूज आवाम की आवाज। 21वें रोजे के अवसर पर उसकी रजा कमेटी भारत चौक तालापारा की जानिब से नूरानी मस्जिद तालापारा के पास रोजा इफ्तार का कार्यक्रम रखा गया था, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के बच्चे, युवा, बुजुर्ग इफ्तार में मौजूद रहे। इफ्तार के बाद मगरिब की नमाज अदा की गई, जिसके बाद देश में अमन चैन और भाईचारे के लिए दुआ की गई। मुसलमानों का पवित्र माह रमजान चल रहा है, जहां मुस्लिम समुदाय के लोग इस महीने एक माह का रोजा रखते हैं। रमजान के मुबारक महीने में मुस्लिम समाज द्वारा इबादत की जाती है, इसके साथ घरों में कुरान पाक की तलावत की जाती है और नमाज पढ़ी जाती है। रमजान का पहला असरा 1 से 10 रोजे तक होता है, दूसरा असरा 10 से 20 रोजे तक और वहीं तीसरा असरा 21 से 30 रोजे तक होता है। रमजान के 21 दिन हो चुके हैं, अब मुस्लिम समाज आखिरी रमजान के महीने में ईद की तैयारियों में जुट गए। पिछले 2 साल से कोरोना महामारी की वजह से लोगों ने घरों में ही रमजान की इबादत की और ईद भी घरों में मनाई। इस साल अनलॉक होने से रमजान की खुशी दुगनी है। हर साल की तरह इस साल भी उसकी रजा कमेटी रमजानी बाबा दरगाह के जानिब से रोजा इफ्तार का अहतमाम रमजानी बाबा दरगाह हॉल में किया गया, जिसमे हजारों की तादाद में रोजदार यहाँ के शिरकत कर रोजा खुले और रोजा खुलने के बाद मगरिब की नमाज अदा करके और लंगर तनाउ फरमा रहे हैं और सभी को रमजान शरीफ की मुबारकबाद तय करते हुए ईद के आने की मुबारकबाद के लिए रजा कमेटी की तरफ से जानिब के तरफ से तारी रोजा खोलने का इंतजाम किया है और खाने का इंतजाम करके गया है और आगे कार्यक्रम और आगे भी होते रहेगा, चलते रहेगा। बिलासपुर से राकेश खरे की रिपोर्ट।